यू वर्क हार्ड यू मेक मनी, यू वर्क हार्ड यू मेक मनी, यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, बट दैट इज नॉट लाइफ. यू गो आउट एंड सीक पीपल, दे नीड यू, दे नीड योर हेल्प, यू हेल्प देम. When you realize one person did not give up, that's why your availability, you helping someone because of you, that is day actually when you live life here. अगर किसी का आप एक पल भी अच्छा बना रहे हो, अगर वो बंदा आपकी वजह से कहीं give up नहीं करता, मान लो वो जी रहा है आपकी वजह से, that will be day when you live your life better. Quran Pak mein Allah Pak keh rahe hain ki puri science milkar bhi ek machhar ka par nahi bana sakti, to aap kya kar sakte. Allah Pak saaf saaf bata rahe hain Quran Pak mein ki mere मुताबिक चलो, जो मैंने कुरान में फरमाया है, जो हदीसें हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, तो आप उसके मुताबिक चलते हो. अल्लाह पाक कह रहे हैं मैं उसकी ज़िंदगी आसान बना दूँगा, और यही सच है. और सब दुनिया का माहौल है, बस सच यही है कि हम अगर अल्लाह पाक के रास्ते पे चलते हैं तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो सब रास्ते गलत थे, सब रास्ते हार की तरफ जा रहे हैं. सिर्फ ये एक रास्ता है अल्लाह पाक की तरफ जाने का, आखरत को देखो, आखरत सच्चे, उसको बनाओ, सब सेट हो जाएगा. एक प्रोटोकॉल में आ जाओगे. अल्लाह की नमाज पढ़ो, अल्लाह के दीन में रहो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का फ़र्ज निभाओ, सुन्नतें अता करो, दुरूद पाक पढ़ के उन पे भेजा करो, तो आपकी सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, सारे मामले सीधे हो जाएंगे. डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि रिलैक्स रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. आप सोचते हो तो आप बीमार होते हो, अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, खुशी की लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, अदरवाइज नो हैप्पीनेस. आई एम रिपीटिंग यू, आई एम टेलिंग यू, विदाउट हेल्थ वी आर नथिंग. Without health we are nothing, and this is a real truth. बिना सेहत के आपको कुछ अच्छा नहीं लगने वाला. तो सेहत को सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलैक्स रहना है. गोलियाँ दवाइयाँ किस काम की हैं, वो एक फ्री में आप रिलैक्स रह सकते हो अल्लाह के दीन में आकर, तो खर्च करने की क्या ज़रूरत है. जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो सारे मामले सीधे हो जाते हैं, आपकी बॉडी सेट हो जाती है, आपका माइंड सेट हो जाता है, और सब रास्ते बेवकूफ़ी की तरह हैं. पहले रिलैक्स रहो, अगर रिलैक्स होने के बाद भी आपको गड़बड़ हो रही है तो डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह पाक कह रहा है. डॉक्टर को दिखाओ, अपनी कोशिश करो, अल्लाह पाक आपको ऐसी सेहत अता फरमाएगा जिसमें सिर्फ खुशी होगी. ये याद रखना कि ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी इसमें ना जाना, इसको इग्नोर करना, और ख़ुद में ना जीना, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में चलना, सारा सब कुछ इग्नोर करना, जो अपनी तरफ से बेस्ट है वो करना लाइफ के लिए, सर्वाइव के लिए, बाकी सब बेकार है, तो फजूल है. कि आप की हेल्थ नहीं है, आप
कहीं और भाग गए, पहले हेल्थ को सेट करना है, उसी हेल्थ में सेहत में, उसके बाद ही आप कुछ बन। सो सारा वीडियो में सम अप कर रहा हूँ, सिर्फ रिलैक्स रहना है बस, फिर सुकून रहना है, यही सच है और यही रास्ता है। अल्लाह के रास्ते पर चल कर ही रिलैक्स आपको सुकून मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, आप करके देखो। ये करना क्या है, सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, प्यार रखना है, किसी का नाजायज फ़ायदा नहीं देना। खुश रहने के लिए अगर आप कहते हो खुश रहो तो इंसानियत ही एक रास्ता है, जो एक दूसरे से प्यार करके मोहब्बत करके सही तरह से, जो हकीकत में हमारे लिए क्या ज़रूरी है पूछ सकूँ, ठीक है, वो सिर्फ इंसानियत में मिलेगा आपको। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने प्रॉफिट के लिए, जहाँ आप प्रॉफिट समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो इस बंदे का नुकसान करके आपको फ़ायदा हो रहा है, वो आपका नुकसान ही होने वाला है आगे चल, ये सब आपको देना है। लेकिन अगर आप अपना नुकसान भी करते हो किसी के फ़ायदे के लिए, तो आपका वो फ़ायदा बनेगा हमेशा के लिए। अगर किसी एक बंदे की आपने लाइफ चेंज कर दी, उसकी लाइफ ठीक कर दी, सेट कर दी, कुछ छोटी सी बात भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। किसी का दिल दुखाना समझ लो दुनिया में बड़ा गुनाह है, और किसी का दिल खुश करना बड़े में बड़ा ये सवाब है, और इसकी क्या अहमियत है समझ लो। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, आप कभी सुकून में नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी का दिल खुश करोगे तो आपको सुकून होगा, आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं, सुकून सिर्फ यहाँ है इंसानियत में। अगर आप इंसानियत देखो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी इंसानियत थी, सूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत ही हैं, आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी इंसानियत है, कितनी मोहब्बत है। और अगर आप किसी की लाइफ बेटर बना सकते हो, उसकी सारी निगेटिविटी ख़त्म कर सकते हो, यू वर्क हार्ड, यू मेक मनी, यू डूइंग इट फॉर यूर सेल्फ, बट दैट इज नॉट लाइफ। यू गो आउट एंड सीक फॉर पीपल एंड हेल्प दे नीड्स यूर हेल्प, एक्चुअली दैट इज डे व्हेन यू रियलाइज व्हाट इज द लाइफ। इफ यू रियली चेंज समवन लाइफ, इफ यू रियली चेंज समवन लाइफ, व्हेन यू रियलाइज, when you actually realize that is day which I am living real। आप मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, ये लाइफ नहीं, ज़िंदगी नहीं है। देखो उनको जिनको खाने के लिए एक टाइम भी नहीं है, उनसे बेटर है तुम्हारी लाइफ। तुम बाहर जाओ, देखो किसी की लाइफ बेटर बना सकते हो, और जिस दिन तुमने किसी इंसान की मदद की, किसी की हेल्प की, किसी की लाइफ बेटर की, उस दिन तुम असली ज़िंदगी जियोगे, बाकी नकली जी रहे हो किसी काम की नहीं, जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, किसी की इंसानियत ही नहीं है, बस यहाँ पर अपने लिए जी रहे हो सब। कुछ तो देखो आगे, किसी को आपकी हेल्प की नीड तो नहीं है, आप कर तो नहीं सकते हो किसी की हेल्प, कर लो, इसी में ही अल्लाह राजी होता है। When you realize this person did not give up because of you, that is the day when you live। किसी को खुश करना मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा काम है, सवाब है, तो किसी का दिल खुश करना इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप किसी का दिल खुश करते हो तो ही आपको रियल जो है ना हैप्पीनेस मिलती है।